सोनभद्र के राबोटसगंज कोतवाली इलाके में टोल प्लाजा के पास ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों ने ओवरलोड वाहनों को पकड़कर जमकर हंगामा किया। काफी समय के बाद मौके पर प्रशासन और पुलिस पहुंची। ट्रांसपोर्ट का आरोप है कि एक तरफ प्रशासन द्वारा ओवरलोड को बंद कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ खनन विभाग और परिवहन के मिलीभगत से माफियाओं और वीआईपी लोगों की गाड़ियों को पास कराया जा रहा है। इसको लेकर के ट्रांसपोर्ट मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। अधिकारियों का कहना है कि जो भी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र के राबोटसगंज कोतवाली इलाके के टोल प्लाजा लोडी पर आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों ने ओवरलोड गाड़ियों को रोककर जमकर बवाल किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि एक तरफ प्रशासन द्वारा ओवरलोड गाड़ियों के परिवहन को रोकने के लिए टीम गठित की गई है और जिले के छोटे ट्रांसपोर्टों की गाड़ियों को ओवरलोड के नाम पर परेशान किया जा रहा है, लेकिन बीआईपी और परिवहन माफियाओं के से मिलीभगत कर खनन विभाग और परिवहन विभाग अब उनकी ओवरलोड गाड़ियों को छोड़ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, परमिट की कॉपी भी स्कैन करके लगाई जा रही है और गाड़ियों के नंबरों में भी फेरबदल किया जा रहा है। हंगामे को देखते हुए मौके पर एसडीएम और सीओ पहुंच गए हैं, जिन्होंने पकड़ी हुई गाड़ियों के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। वहीं अधिकारियों के बुलाने के बाद भी खनन विभाग और परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। क्या मामला है? ये पिछले 3 तारीख से जिला प्रशासन द्वारा ओवरलोड और अवैध परिवहन के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था। 3-4 दिनों तक तो इन्होंने काफी कड़ाई की, उसके बाद यानी कि इन्होंने ढील दे दी। उसके पीछे अब इनकी क्या मंशा है, क्या नहीं है, वो खुद ही जानेंगे। और इस कार्रवाई का गाड़ी मालिकों के ने सोनभद्र के गाड़ी मालिकों ने काफी अच्छे से स्वागत किया और रात भर जाग के खुद यानी कि ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ना चालू किया। ये गाड़ियां जो 4-5 गाड़ियां हैं, जिसमें की 3 गाड़ियां भाग भी गई, इनको दबाते हुए भाग भी गई। और जब गाड़ी मालिकों ने सुबह 6 बजे पकड़ा है और अभी 9-9:30 बजे अधिकारी लोग आए, सभी अधिकारियों को फोन करने के बाद भी तब भी 3 घंटे के बाद यानी कि इनका सहयोग मिल रहा है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि जिला प्रशासन खुद ही अवैध परिवहन और अवैध खनन में लिप्त है। मंडियों में ये देखा जा रहा है कि ओवरलोड गाड़ियां भी जा रही हैं, अंडरलोड भी जा रही हैं। इससे जो अंडरलोड है उनको क्या दिक्कतें आ रही? जिला प्रशासन चलनी लेके पानी छानने की कोशिश कर रहा है। कुछ गाड़ियां जो लोकल, जैसे हम लोग हैं यहाँ पे 8-10 गाड़ी मालिक लोग हैं, इनके चेहरे पहचान लिए जा रहे हैं, इनको परेशान किया जा रहा है और जिनसे इनको पैसा मिल रहा है ये पैसे लेके गाड़ी रात में पार करवाते हैं। ये अपनी सूचना यही कि कुछ लोकल लोग जो गाड़ी पार करवाते हैं, जिसको पासर बोला जाता है, हाँ, उसके माध्यम से ये लोग पैसा लेते हैं और वो पासर को ये बता देते हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक नहीं रहूंगा। उसी बीच में ये सब गाड़ियां पार होती हैं, तो उसके लिए हम गाड़ी मालिकों ने और मोटर मालिक एसोसिएशन ने ये प्रण किया है कि अब ऐसी भी एक भी गाड़ियां हम लोग पार नहीं होने देंगे। लेकिन जिला प्रशासन से हमें इतनी सुरक्षा चाहिए कि कोई हमें यानी कि हड़का ना सके, हमारे ऊपर यानी फर्जी मुकदमे लगा के डाला ना जाके सके। अधिकारी मौके पे आए हैं, क्या कहना है उनका? एक तो 3 घंटे बाद एसडीएम साहब भी आए, तो उनका भी यानी कि रवैया ढुलमुल रवैया है। आप खुद देख रहे हैं, बस खाली इधर टहल रहे हैं उधर टहल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। खनन विभाग के यानी कि उच्च अधिकारियों को बुलाने की कोशिश किया जा रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं 45 मिनट हो गया, खनन से यानी कोई अधिकारी नहीं आया है। आरटीओ साहब आए थे, खाना पूर्ति करके चालान काट के चले गए। क्या इस तरह से यानी कि अवैध परिवहन और अवैध खनन रोका जाएगा? और ये अवैध कोई एफआईआर वगैरह नहीं कराए हैं अभी? अभी कुछ नहीं करवाया है इन्होंने। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो शायद हो जाए। जिसको ट्रक यूनियन ने पकड़ा है, क्या कार्रवाई की जा रही है सर? प्राप्त सूचना के अनुसार सूचना मिली है कि वहाँ पर कुछ ओवरलोड गाड़ियाँ बैरियर पे खड़ी थी, बैरियर के पास से। तो उसके बाद तत्काल हम लोग मौके पर पुलिस विभाग से साहब या डीओ खनन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है और उन गाड़ियों पे गाड़ी मालिकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जिनकी गाड़ी ओवरलोड है। सर FIR वगैरह भी दर्ज करवा रहा है? FIR जाएगा और अवैध चलने वालों के विरुद्ध बल्कि इनके परमिट कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। सर आरोप ये भी लग रहा है कि रात में काफी गाड़ियां निकल रही हैं ओवरलोड और मंडी में जाने के बाद जिन लोगों गाड़ियां अंडरलोड हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनके माल नहीं मिल पा रहे हैं।
नहीं, जिलाधिकारी महोदय ने एक विशेष पहल की है और उन्होंने राउंड द क्लॉक 24 घंटे के लिए शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा रखी है ताकि ओवरलोडिंग गाड़ियों पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। उसके क्रम में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लग रही है तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। जब प्राप्त सूचना के अनुसार जब भी आ रही है उच्च लेवल पे भी हम लोग की आगे मौके पे कार्रवाई कर। आज कितनी गाड़ियां पकड़ी गई सर? कुल अभी फिलहाल 5 गाड़ियां पकड़ गई है। कार्रवाई सर क्या ऐसे व्यवसायियों पे भी कार्रवाई होगी जो ओवरलोड माल दे रहे हैं वहाँ से? कस्टमर मालिकों को भी लिखा जाएगा कि वो भी अपने स्तर पे ओवरलोड की कार्रवाई ना करें, अन्यथा उसके प्रति कार्रवाई। हंगामा किस लेकर रहे हैं? मोटे यूनियन के लोग प्राइवेट ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ रहे हैं, उसके भी आदमी खनन वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और पैसा लेकर गाड़ियां पार कर रहे हैं। सूचना के बावजूद भी अश्विनी सरकार यादव को सूचना दिया गया कि ओवरलोड गाड़ियां पार हो गई, हम देख रहे हैं उसके बाद कई गाड़ियां पार हो गई, कई गाड़ियां पार होने की फ्लैग में खड़ी है। इसके लिए हम लोग शिकायत किया तो एसडीएम साहब, अपर जिलाधिकारी धनंजय सरवर शुक्ला जी सब लोग मौके पर उपस्थित। तो अभी क्या अधिकारियों क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है ओवरलोड नहीं चलने देंगे, लेकिन जबरदस्ती खनन वाले चलवा रहे हैं। ट्रक मालिक परेशान है, अपनी न किस्त भर पा रहा है न टैक्स दे पा रहे हैं। तो जिले की ज्यादातर गाड़ियां तो ओवरलोड बंद है, फिर ये बंद नहीं है, कमजोरों की बंद है जो दबंग किस लगे है, जब आप पैसा उनकी गाड़ियां पार हो रही है। क्या सत्ता पक्ष के लोगों का दबाव है? सत्ता पक्ष का लोग नहीं दबाव कर सकते, लेकिन खनन विभाग का मिले भगत है, खनन विभाग की मिले भगत से गाड़ियां पार हो रही है।